हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एथिक्स के टाइप्स क्या हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि एथिक्स का मीनिंग क्या होता है। अब हम टाइप्स ऑफ एथिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम टाइप्स ऑफ एथिक्स के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ एथिक्स में मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स, तीन टाइप के एथिक्स आते हैं। मेटा एथिक्स क्या होता है देखा जाए तो ये जो एथिक्स का चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं ये फिलॉसफी का पार्ट होता है। फिलॉसफी में इसका काफ़ी डिटेल दिया होता है, डिटेल में वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया होता है। खैर मैं आपको एक कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ कि एथिक्स क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ एथिक्स में सबसे पहले आता है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स को हम डिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एथिक्स को डिस्क्राइब किया गया है। एथिक्स का ओरिजिन क्या है, मीनिंग क्या है, अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं और अच्छी तरीके से एथिक्स को डिस्क्राइब किया है। तो ये चीज़ आपके मेटा एथिक्स में आती है। नॉर्मेटिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स में ये चीज़ बताई जाती है कि आपको क्या करना चाहिए, या आप ये बोल सकते हो कि नॉर्मेटिव एथिक्स वो एथिक्स हैं जो कि आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स वो एथिक्स है जो कि आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं, राइट? तो आप जनरली ये देखोगे, आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप चाहे प्राइवेट जॉब में जाओ, चाहे आप कह लो कि आप पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब में आईएएस हो, आप कोई भी किसी भी फील्ड में जाओ, आपके सामने एथिकल डिलेमा आता ही आता है। एथिकल डिलेमा उस सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे हमारे सामने रास्ते जो होते हैं हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा रास्ता चूज़ करें, क्योंकि हम अगर किसी भी रास्ते को चूज़ कर रहे हैं तो दोनों ही ऑप्शन को चूज़ करने में हमारी कहीं ना कहीं हार होती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम एथिकल डिलेमा कहते हैं, जहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हाँ हम किस रास्ते को चूज़ करें, कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करें। तो नॉर्मेटिव एथिक्स उस एथिक्स को कहते हैं जो कि हमें बताता है कि हाँ क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, एंड जो कि आपके बिहेवियर को गाइड करता है, विच गाइड्स योर बिहेवियर, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स बोलते हैं। अब नॉर्मेटिव एथिक्स को फर्दर थ्री कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे होता है टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल एथिक्स क्या होता है? टेलियोलॉजिकल एथिक्स की अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हो कि हमारा जो भी एक्शन रहता है, हम ये सोच के एक्शन करते हैं, हम ये सोच के बिहेवियर का कोई भी चीज़ का बिहेव करते हैं कि या रिएक्ट करते हैं कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। तो आप टेलीलॉजिकल एथिक्स में लिख सकते हैं टू थिंक अबाउट एंड रिजल्ट। टू थिंक अबाउट एंड रिजल्ट मतलब कि हम जब भी कोई भी काम करेंगे हम पहले उसका देखेंगे कि कंसिक्वेंसेस क्या होगा, हमारे एक्शन का कंसिक्वेंसेस क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा, उसको सोचने के बाद ही हम एक्शन कहते हैं करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई विक्टिम हो गया है और वहाँ पे रोड पे उसका एक्सीडेंट हो गया है, रोड के किनारे पड़ा हुआ है और आप अपनी नई कार से ड्राइवर के साथ वहाँ से गुजर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में तीन चीज़ें हो सकती है। टेलीलॉजिकल एथिक्स जो है वो काफ़ी हेल्प करता है एथिकल डिलेमा को सॉल्व करने में। अगर देखा जाए तो टेलीलॉजिकल एथिक्स जो है वो काफ़ी हेल्प करता है एथिकल डिलेमा को सॉल्व करने में। कैसे हेल्प करता है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया कि आप जब कार से जा रहे हो तो आप विक्टिम की हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पहला तो ये हो सकता है कि आप केवल अपने बारे में सोचें, अरे आपकी गाड़ी बहुत एकदम से नई है और आपने अगर उसे उठाया तो विक्टिम को आप हॉस्पिटल ले गए तो आपके सीट कवर ख़राब हो जाएगा, या आपने ये सोचा कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो आपका काम ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने सामने वाले के बारे में सोचा कि वो जो पड़ा है घायल इंसान, जो विक्टिम है, अगर उसको आप हॉस्पिटल नहीं ले गए टाइम पे तो उसकी जान जा सकती है, मे बी वो अपने
का फैमिली का इकलौता अर्निंग मेंबर हो, तो आपने उसके बारे में सोचा और फिर आपने एक्ट किया। तो एथिकल डिलेमा में क्या होता है, एथिकल डिलेमा में टेलियोलॉजिकल थ्योरी ये बोलती है कि आप अपने ऊपर इम्पैक्ट और सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट दोनों को सोचते हैं, कंसिक्वेंसेस सोचते हैं, फिर आप कंपेयर करते हो, फिर आप डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज़ टेलियोलॉजिकल एथिक्स। एक ब्रीफिंग मैंने आपको दे दी है। एक होता है डियोन्टोलॉजिकल। डियोन्टोलॉजिकल क्या होता है, डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स की अगर मैं बात करूँ तो डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स आप कह लीजिए कि वो एथिक्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी गॉड के प्रति ड्यूटी है, आपके आपके दोस्तों के प्रति ड्यूटी है, आपके आपके फैमिली के प्रति ड्यूटी है। आप कभी भी बात करते हो, कुछ करते हो, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको लोगों के बीच लड़ाई लगवानी है, आपको चीज़ों को ख़त्म करना है, सॉर्ट आउट करना है, राइट। आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा है। तो इन सब ड्यूटीज़ को जब आप कर रहे हैं तो आप चीज़ों का ध्यान रखिए ऐसा, और एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश जो है वो करनी पड़ती है। तो डियोन्टोलॉजिकल एथिक्स में फैमिली, गॉड, फ्रेंड्स के प्रति जो ड्यूटीज़ हैं, और थर्ड टाइप के एथिक्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वर्च्यू एथिक्स आता है। वर्च्यू मतलब होता है क्वालिटीज़, वर्च्यू का मतलब होता है क्वालिटीज़। तो क्वालिटीज़ की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपको अपने ओवरऑल पर्सनालिटी में ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, जैसे कि आप लोगों की बात ध्यान से सुन रहे हो, आपने अपनी एक लिसनिंग स्किल डेवलप कर ली है, आप एम्पैथी यूज़ करते हो यानी कि खुद को उनकी जगह पर रख कर सोचते हो, तो आप दूसरों को कंफर्ट लेवल देते हो ताकि वो अपनी बात को कह सके, आप उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, एक डिसेंट ओवरऑल पर्सनालिटी है, आप में ईगो नहीं दिखता है, आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखता है, तो दैट इज़ वर्च्यू एथिक्स, राइट। ओवरऑल पर्सनालिटी जो आप डेवलप कर रहे हो। और इसके बाद अगर हम अप्लाइड एथिक्स की बात करें तो अप्लाइड एथिक्स वो एथिक्स होते हैं जो हमारे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप कह लीजिए दहेज प्रथा, डाउरी का जो सिस्टम चला आ रहा है, या लोग जो है बाल मजदूरी कराते हैं, चाइल्ड लेबर कराते हैं, तो ये सब जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, एक बड़े इश्यूज हैं जो आज तक मतलब कि सॉल्व उतने ज़्यादा नहीं हो पाए हैं, तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में जो सोसाइटी में प्रॉब्लम चलती है वो सब आपके अप्लाइड एथिक्स के अंडर में आती है। तो आई होप आपको एक टाइप्स ऑफ एथिक्स का एक आइडिया लग गया होगा। कीप लर्निंग।